अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन की। अब रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अनयूजुअल कंडीशन। तो ये ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जिसके लिए स्पाइनल कॉर्ड खुद ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है। प्राइमरीली उसका रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद फिर वो ब्रेन को कन्वे करता है। तो इसको हम रिफ्लेक्स आर्क, उसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ओवरऑल जो यहाँ पर एक्शन है इन्वॉलंटरी एक्शन, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, अगर हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या शार्प निडल को टच होते तो एकदम हम उसको जर्क कर लेते हैं, तो दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसके अंदर मसल्स तो इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्स भी दिया जाता है, लेकिन प्राइमरीली हम ऑटोमेटिकली वहां से हाथ से मुंह पीछे हटा लेते हैं। तो ये जो पाथवे यहाँ पर आएगा इसको रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे और इस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज एन ओवल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपको इस तरह से एक ओवल शेप स्ट्रक्चर मिलता है विच इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और एक सेंट्रल पार्ट होता है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपको एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड इसमें सेंट्रल पार्ट मिलता है लाइक दिस। तो ये जो आपको आउटर पार्ट मिलता है दिस इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर, इसको व्हाइट मैटर कहेंगे, और ये जो सेंट्रल पार्ट मिल रहा है दिस इज द ग्रे मैटर, इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। इस ग्रे मैटर के अंदर यहां पर सेंट्रल केनाल होती है, और इसके अंदर ही सेंट्रल केनाल के अंदर CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि प्रोटेक्शन के लिए इसमें होगा। अब हम एक रिफ्लेक्स सेक्शन को अगर देखें कि रिफ्लेक्स सेक्शन किस तरह का होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स राइज होती हैं या इसके साथ जो नर्व्स कोऑर्डिनेट कर रही हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो यहां ये इस तरह से स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो इसमें अटैच होती हैं, और ये जो नर्व्स हैं ये सारी की सारी मिक्स नर्व्स होती हैं। अगर मैं स्पाइनल नर्व्स की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि दिस नर्व इज ए स्पाइनल नर्व एंड ऑल द स्पाइनल नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। अब मिक्स्ड नर्व्स वो होते हैं जिसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। तो इसी के अंदर आपको सेंसरी न्यूरॉन भी मिलेंगे और मोटर न्यूरॉन भी मिलेंगे, अभी हम डायग्राम से इसको देखते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने बात की कि आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी शार्प निडल को टच होता है तो वो स्टिमुलस है जो कि शार्प निडल है, और आपका जो स्किन है वो उसको रिसीव करेगी जो कि रिसेप्टर है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी। तो इसका मतलब है यहां पर जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स जो कि स्किन का पार्ट हो सकता है जिसने स्टिमुलस को रिसीव करना, स्टिमुलस को ये रिसीव करेगी। लेकिन यहां पर अब जो स्टिमुलस है वो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है जो के टच हो रहा है या कोई शार्प निडल है जो के वहां पर हाथ के साथ टच हो रही है, यहां से रिसेप्टर से मैसेज को जो लेके आएगा, ये रिसेप्टर है आप जानते हैं, यहां से न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को लेके आएंगे, और जो न्यूरॉन्स यहां पे मैसेज को लेके आएंगे टूवर्ड्स दैट स्पाइनल कॉर्ड, आप जानते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन में आप बात कर चुके हैं कि सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट होता है वो बहुत लंबा होता है, इसको डेंड्रॉन कहते हैं। सो दिस पार्ट इज ए डेंड्रॉन जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग है। अब इसके बाद यहां पर इसमें सेल बॉडी हमें मिलेगी इस जगह पर, लाइक ये पार्ट को मैं थोड़ा सा फर्दर, हियर इज द सेल बॉडी ऑफ द डेंड्रॉन सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन की यहां पर सेल बॉडी है, और उसके बाद इसमें जो एक्सॉन है वो सीएनएस के अंदर जाएगा, ये इसमें सीएनएस के अंदर मूव कर रहा है। सो दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है। यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं और उसको कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो है इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि वर्ड गैंग्लियन यहां पर आ रहा है तो गैंग्लियन का मतलब ही होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडी। तो इसके अंदर सेल बॉडी
ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन किसके अंदर? सेल बॉडी है। तो गैंग्लियन वर्ड जो है सेल बॉडी के लिए यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद ये आ गया इसका एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन का, जो कि सीएनएस के अंदर जाएगा। अब सीएनएस के अंदर यहां पर आप जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन होगी वो इंटर न्यूरॉन के साथ होगी, तो इंटर न्यूरॉन जो है वो इसको कम्युनिकेट करेगा। और इस तरह से इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, शॉर्ट सा न्यूरॉन है उसके अंदर, एक्सॉन और जो डेंड्राइट है दोनों ही शॉर्ट होते हैं, तो ये उसको रिसीव करेगा मैसेज। अब रिसीव करने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड खुद से ही रिस्पॉन्स शो कर देगा इन केस ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन। अदरवाइज तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन यहां पर जो प्राइमरी एक्शन है उसके अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब इसमें क्या होगा, ये यहां पर जो डेंड्राइट्स होंगे, अब ये सेंसरी न्यूरॉन ने ये वाला न्यूरॉन जो है वो इंटर न्यूरॉन है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, इंटर न्यूरॉन यहां पर। अब इंटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है दैट विल कम्युनिकेट विद द डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन। अब यहां पर मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, और यहां से फिर मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो एक्सॉन यहां से बाहर निकलेगा लाइक दिस, ये दिस इज द एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन। और मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन जो होगा वो आप जानते हैं कि किसके साथ कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा अफेक्टर्स के साथ। इन केस ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन अफेक्टर्स होते हैं वो मसल्स हैं। अब ये जो अफेक्टर्स जो मसल्स हैं ये फौरन से रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स क्या होगा, दे इमीडिएटली विदड्रॉ हैंड, वहां से हाथ से फौरन पीछे हटा लिया जाए क्योंकि वहां पर शार्प नीडल है। तो ये वाला आपको जो न्यूरॉन मिल रहा है, दिस न्यूरॉन इज मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है। और इस मोटर न्यूरॉन में ये आपको जो लॉन्ग पार्ट मिल रहा है, ये पार्ट आपको एक्सॉन मिल रहा है, ये एक्सॉन। और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी आप देखें, ये सेल बॉडी है मोटर न्यूरॉन की, और इसी तरह से ये आपको डेंड्राइट मिल रहे हैं मोटर न्यूरॉन। तो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर दो तरह के साइनैप्स बन रहे हैं, ये देखें, एक साइनैप्स यहां पर बन रहा है और दूसरा साइनैप्स यहां पे बन रहा है। साइनैप्स क्या है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन है, आगे डिटेल में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द साइनैप्स वन। ये सवाल आ सकता है कि साइनैप्स वन किन के दरमियान बनेगा, और ये जो आपको मिल रहा है दिस इज द साइनैप्स टू, ये साइनैप्स टू बन रहा है। अब साइनैप्स वन किन के दरमियान बनेगा, दैट साइनैप्स वन इज बिटवीन the axon of sensory neuron and dendrites of interneuron, और interneuron के dendrite के दरमियान बना synapse 1, और synapse 2 किसके दरमियान बना, synapse 2 बनेगा between axon of interneuron and डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, और यहां पर मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स हैं। तो यहां आपको साइनैप्स 2 मिल रहा है और एक्सॉन इसके अंदर बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो एक तो ये आपने बात याद रखी। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो नर्व जिसको हमने स्पाइनल नर्व कहा था, इसको मिक्स नर्व क्यों कह रहे हैं, अब देखें कि जो सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है वो भी इसी नर्व से पास कर रहा है, और जो मोटर न्यूरॉन वापस जा रहा है वो भी होगी। नर्व इज द सेम एंड दैट कंसिस्ट ऑफ टू न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से इसको मिक्स नर्व, दोनों न्यूरॉन है, दोनों पाथवे हैं, जाने का पाथवे जिसको हम एफरेंट पाथवे कहते हैं, ये वाला एफरेंट है, और याद रखना है कौन से वाला एफरेंट है, डॉर्सल जो रूट गैंग पाथवे है, या इसको हम एफरेंट को लिखते हैं डॉर्सल पाथवे, जो डॉर्सल पाथवे इसको हम कहते हैं एफरेंट पाथवे, या इसके लिए वर्ड
डॉर्सल नर्व्स भी यूज किया जाता है। नर्व्स के अंदर मेनली एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। और जो वापस आ रहा है जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन है, दिस पाथवे इज द वेंट्रल पाथवे। ये वेंट्रल पाथवे, ये भी आपने याद रखना है। और वेंट्रल पाथवे के लिए हम एक वर्ड जो है वो इफरेंट पाथवे भी यूज करें, इफरेंट पाथवे, ये इसके अंदर आपको मिलेगा। अब आप इसमें देखें कि यहां पर जो ग्रे मैटर का एरिया है जिसके अंदर ये सारे के सारे न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ये सारे न्यूरॉन्स जो ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे जो है वो नॉन माइलिनेटेड है, यानी जो जो पार्ट उसके अंदर है ये नॉन माइलिनेटेड रीजन होता है ग्रे मैटर, क्योंकि इंटर न्यूरॉन तो नॉन माइलिनेटेड है और जो सेंसरी न्यूरॉन उसके अंदर मेनली डेंड्रॉन है जिसके ऊपर माइलिन है, और जो मोटर न्यूरॉन है उसके अंदर मेनली एक्सॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीट है, वो दोनों बाहर है इससे। तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है जो ग्रे मैटर का, वो नॉन माइलिनेटेड रीजन है। और याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो व्हाइट मैटर है या जो आउटर पार्ट होता है वो माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड रीजन। अब माइलिनेटेड रीजन किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सॉन का ही पार्ट है और इसके एक्सॉन का पार्ट है जो के माइलिन शीट उसके ऊपर होगी, लेकिन स्पेसिफिकली जो ग्रे मैटर है वो नॉन माइलिनेटेड रीजन होता है। सो दिस इज द रिफ्लेक्स सेक्शन।